हरि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बलि महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मान स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँ। महापुरुष अच्युतानंद मालिका शास्त्र रे अनेक रोग व्याधि कथा कही रोगर व्याधि विषय पचार शिष्य रामचंद्र ही गुरुदेव आपण रोग विषय कही तार निदान कौन कही ना तार निदान कौन यदि प्रश्न कही तार उत्तर कौन आपण मालिकारे लिखिंटे अनेक रोग कलीजुगे आसब दुर्भिक्ष पड़ लोके जीवे बहु मरी चौसठी रोग भ्रमु थी फेरी फेरी चौसठी प्रकार रोग कलीजुगर लोक मान ग्रास कर से रोगर उधार पाइबार रोगर उपशम पाइबार बाट कौन आज दुईटी रोग विषय तार निदान विषय आम कह कि पथी कि औषध ता विषय मालिकारे महापुरुष लिखिं एवं ये आलोचना शेषे आज अध्याय शेष जन भक्तर ना कह किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो जहाँ विषय महापुरुष अच्युतानंद छश वर्ष ते मालिकारे लिखि जाइ तेना महापुरुष लिखिले मालिकारे बाबूरी ये रोग व्याधि अच्छी ना व्याधि जे जगते घोटी बैदा बैदबणा होइबे सुजने बैदबणा होइबे रोग न चिन्हिण बणा हेउथिबे अनेक प्राणी मरिबे शुण सुजने गुणी बेड़ काल आसी लानी हे शुण सुजने गुणी। अच्युतानंद महापुरुष कहले मालिकार नाम हेउची चकड़ा मड़ाण ये चकड़ा मड़ाण कहले रे राम रे अचिना व्याधि जे जगते घटव वैध बणा होइबे अचिना व्याधि आसब वैध डाक्तर माने बणा हो जीवे रोग चिन्ह पारे ना अनेक प्राणी माने मृत्युवरण करो रोग विषय आम आलोचना करवा तार पथी कौन तार औषध कौन महापुरुष लिखिं मालिकारे से रोगर नाम हूँ अचीर्ण रोग। आज घरे घरे देखु अजीर्ण रोग बढ़ी महापुरुष लिखिं मालिकारे आगुरी पूर्व काल देखि लोक मैंने खटुले परिश्रम करूले एवं अध किले लेखा चाउल भात जनका खाई बिलेर खटुले मटी कम पथर कम करूले लोक मैंने अच्छा मूलिया मजूरी अच्छा कम करूले अनेक क्षुदाशक्ति जठराग्नि प्रज्वलित होता जठराग्नि से भाई प्रज्वलित होता सक्षम होता अध किले चाउल भात खाई नहीं तो हे ज्ञानी गुणी मंडल आज देखु ना आज क्षुदाशक्ति कमी अजीर्ण रोग घरे घरे लोक मान देखा शिशु आनंद यही कथा को पट्टा मड़ान कहते बारंग आगे बारंग पचारे गुरुदेव ये अजीर्ण रोग आजिकल अनेक एलोपाथिक अनेक औषध बाहर जार कहती कौन ना ये हूँ दबा दबा कले सी दबिक रखे से मेडिसीन खाइले
पुणी परे गोटे आउ गोटे रोग को सृष्टि कर। ये गुरुदेव आपण सेमती किसी औषध कहतु जी अजीर्ण लोक समूढ़ नाश सुधैने ज्ञानीगुणी मंडली मालिकार महापुरुष लिखिजन ये कथा आम आलोचना करचु आप लिखिकी रखत बोले आहुरी कथाए कहिबा कुमार हेतु तत्व अचीर्णा व्याधि की नासीबा पाई की कहुअ हे सुजने कहुअ तोते आज क्षुदा शक्ति आमर कमी क्षुदा शक्ति कमी भोक कमी जाइए कम खाऊ तेणु जहाँफल कहीं अजीर्ण जीर्ण होनी खाद्य जीर्ण होना जहाँ खाऊ जीर्ण होनी कहीं आम जठराग्नि दुर्बल हजम करने शक्ति कमी जा शिशुआनंद यार बाट बतईं यार उपशम बाट औषध गणे अजीर्णा व्याधि की किभली आपण समूढ़ नाश करी एलोपाथी खाइबे मेडिसिन खाइले खाइबा बंद करदे पुणी है नहीं तेणु अजीर्ण व्याधि केमी समूढ़ नाश हेब आप लिखिकी रखु ये कथा महापुरुष शिशुअनंत पट्टा मडाण लिखिं जीर्ण व्याधि की औषधि कौन दवा कौन मेडिसिन कौन कहले शुंठी पंच पल सौंधव द्विपल जुआणी जे आठ पल जानुहरी तो की नपल मिसाई गव्य घृते शुद्ध पल गव्य घृते शुद्ध पल मेडिसिन लिखी रखु औषधि कौन शिशुआनंद कहले अजीर्णा रोग को अजीर्णा व्याधि जार बहुत पुराणा होते अजीर्ण जिते मेडिसिन खाइले भल होना समूह रोगर उपशम होना उपशम किसी समय किसी दिन पे हम मेडिसिन बंद करदे पुणी हम औषध बंद करदे पुणी हम तेणु यार समूह केमी विनाश कर शिशुअनंत कौन अजीर्णा व्याधि केमी ना शुंठी पांच पल पोला से मापकाठी पोलारे हिं होता तेणु शुंठी आपण पंच पांच पल ने सौंधव्य दुई पल सौंधव लवण कहते दुई पल जुआणी जे आठ पल जुआणी ताको आठ पल नवा जानुहरी तकी नपल मिसाई गव्य घृते शुद्ध पल गव्य घृत कले गाई घिरे आपणक सिद्ध करिवे बुझले बोलिए महापुरुष शिशुआनंद की कौन कहले कहले पान मधुरी नपल थोइब शुद्ध जीरा आठ दे विटल बणरु पड़ाई मिसाई सर्वत्र चूर्ण कराई सर्वत्र चूर्ण कराई पान मधुरी रु न पल ने पोला तेणु पान मधुरी रु न पल धोब शुद्ध जीरा आठ दे शुद्ध जीरा आठ पल मिसे आट लवण रु पलाए मिसाई सर्वत्र चूर्ण कराए तापरे गंध गहिरिया मिसाई बने संगे तार चारि तोला पुरुणी रसरे भावना देवता सुण तू गोपाल बड़ा हे सुजने सुण तू गोपाल बड़ा महापुरुष कहले कहले धनरे
गंध गहिरिया मिसाइब नहीं गंध गहिरिया तादरे मिसेबे अनुभव आपण एमती करिवे ना जदि निजे निजे करके निजे खाइबे ना अनुभवी आपण परामर्श रे सेई मानंकर सानिध्य रे सेई मानंकर मार्गदर्शन रे ए औषधि की आपण तयारी करिवा दरकार तयारी करी व्यवहार करिवे निजे निजे आपण घरे तयारी करके सुणी सुणिले मालिका वचन रे निजे किणी आणी हाथ में तयारी करी ताको व्यवहार कले हेत आपण ये विपद सृष्टि करी पारे या ये विपरीत प्रतिक्रिया सृष्टि करी पारे किंतु अनुभवी जने मार्गदर्शक परामर्श रे जी एको अनेक थर प्रयोग करथिबे यार उपकार किछि पाइथिबे तांकर मार्गदर्शन रे ए प्रयोग विधि भले कि जानी आपण ताको व्यवहार करिवा दरकार महापुरुष कहले धनरे गंध गहिरिया मिसाइब नहीं संगे तार चारि तोला पुरुणी रस रे भावना ता देव शुण तु गोपाल बड़ा ये सब द्रव्य को मिसेब कौन कर ये सर्व कुटाई माटी पात्रे धोई जतने ताको रखिब भोजन रे भुंजीब पुतारे अजीर्ण नाश होइब अजीर्ण नाश होइब हे सुजने अजीर्ण नाश होइब अजीर्ण नाश होइब हे सुजने अजीर्ण नाश होइब बोले धनरे ये सर्व कुटाई माटी पात्र धोई जतने ताकू रखिब गोटे माटी पात्र आपण रखिबे डबा प्लास्टिक डबा फबारे नुहे गोटे माटी पात्र आम रखा रखिकी व्यवहार विधि कौन ना खाई साला परे भोजन परे गोटे चमच आपण ताकू खाइबे उषुम पाणी रे हो अन्य कोथरे हो आपण जल रे हो आपण ताकू खाइले खाइले कौन हेबो महापुरुष शिशु आनंद कहले रे बारंग अजीर्ण नाश होइब समूळे संपूर्ण अजीर्ण व्याधि आपणकर नाश होइजिबो वंचित दिवा जाय अजीर्ण हेबो नाही केते दिन तार प्रयोग करिवे ई औषधिटा केते दिन आमे खाइबा वर्षे दि वर्ष ना पांच वर्ष केते दिन खाइबा शिशु आनंद लेखिले ना बुइले व्याधिर नाश होइजिबो सपतम दिन सारा कहती अज्ञानी अनंत जे दास शुण रे बारंग मोर शुण रे बारंग मोर हे सुजने शुण रे बारंग मोर शुण रे बारंग मोर हे सुजने शुण रे बारंग मोर ज्ञानी गुणी मंडली बोले बोइले व्याधिर नाश होइजिब सपतम दिन सार सपतम दिन जाए आपणे औषधि को खाइबे जा प्रस्तुत कर रखिथिबे ताकु खाइल सैला परे एतिक दिन खाइबे खाइले समूळे कहंती अज्ञानी अनंत जी दास सुणरे बारंग मोर रे बारंग समूळे व्याधि नाश होइजिब तेणु सीधी में महापुरुष कहते सहस्र कलप विधान नंदन केते मु कहिबि तोते औषध कलप यही जमे गला लखे लेखी गली मरते लखे लेखी गली मरते हे सुजने लखे लेखी गली मरते लखे लेखी गली मरते हे सुजने लखे लेखी गली मरते गोटे दुईटी नुहे लखे औषध विभिन्न रोग पे लखे औषध मु लिखी ए मर्त्य रे मर्त्य पर जन्म ही लक्षे औषध लिखिले के मुझे कह कि कहूना हे गुरुदेव आउ कि रोग पी कहतु औषध से औषध कौन व्यवहार कले से रोगर निदान से रोगर उपशम हो रोगर समूल नाश हो ना धनरे शुण रे नंदन गोत को जे मंत नाशन विधि क्यों बात मधे क्यों औषध को बोलीबा प्रसिद्धि ताहा बोलीबा प्रसिद्धि हे सुजने ताहा बोलीबा प्रसिद्धि ताहा बोलीबा प्रसिद्धि हे सुजने
ताहा बोलीबा प्रसिद्धि बोली महापुरुष शिशु आनंद की जय मंडली शिष्य बारंग पचारे गुरुदेव आउ कि रोग उपशम केमिंति हेबो समूळे से रोग नाश हेबो सेयार पे औषध किसी कहूना ना धनरे सुररे सुणरे नंदन गोधिया बात को जेमंत नाशन विधि ये गोधि बात रोग आपण जानिथिबे बात रोग महाविपद अनेक जहाँ बात होइथिबो से माने जानिथिबे तांकर आत्मीय स्वजन मध्ये जानिथिबे तेणु ये बात रोग विभिन्न प्रकार बात रही आंठुगोटी मध्ये जो धरुछि से मध्ये गोटे तेणु ये गोधिया बात को जेमंत नाशन विधि या समूल नाश करिबार जो विधि रही क्यों बात मध्ये क्यों औषध को ताहा बोलिबा प्रसिद्धि ये रोग को क्यों औषध ता सुनिनी बाबा कौन कहिले बोले बसीबा स्थान रो उठी न पारिबो आंठु गंठी बोली जीवा भरोसा काल रे बात रोग देव बहु पादुर भाव देव बहु पादुर भाव हे सुजने हे बहु पादुर भाव हे बहु पादुर भाव हे सुजने हे बहु पादुर ज्ञानी गुणी मंडली अनेक लोक कहते मुझे असी जाऊ उठी पारुनि शिशु अनंत मालिकार 600 वर्ष तले देखते कि बढ़े लिखिले आजिकाली कड़ी जुगरे विज्ञान जुगरे अनेक मेडिसिन बाहर अनेक उपचार आर बाहर नूतन नामकरण नहीं से गोधिया बात कहते तेणु महापुरुष कौन कहे यार लक्षण कौन ना बसवा स्थान रु उठी न पार आंठू घंटी फुले जीव बहुत प्रादुर्भाव यार हम ए बहुत कष्ट ये देव एवं शीत काल रे दुई गुण बढ़ीबो ग्रीष्म काल रे न थाई आउ ग्रीष्म काल रे न थाई हे सुजने ग्रीष्म काल रे न थाई गोधिया बा मेंढा मुंडिया ए बात नाम शास्त्र रे अछई सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले शीत काल ये दुई गुण बढ़ शीत दिने ये गोधिया बात जार नाम हूँ मेंढा मुंडिया बात बोली कहते तेणु ये बात हेले शीत काल ये दी गुण बढ़ी जाए आ ग्रीष्म काल ये न थाए गोधिया बा मेंढा मुंडिया ये बात नाम शास्त्र रे अच्छे भोक हेब ना ये बात हेले क्षुदा हेब ना आप भोक हेब ना शोला स्थान रु उठी पारे ना बारंग कहले कहले हे गुरुदेव जदि ये रोगर लक्षण हूँ ये रोग यही आमको कष्ट जंत्रणा देव ये रोग किमी पूर्ण ना पूर्ण भाव नाश हेब शिशु आनंद कौन धनरे यार औषध कौन ना बर कोड़ी गछ मल्लांग आणीबो पुषिया नक्षत्र रे तुही गोखरा को तार संगे मिसाइबो जबधान गुंड देई जबधान गुंड देई हे सुजने जबधान गुंड देई जबधान गुंड देई हे सुजने जबधान गुंड देई बरकोली गच्छ गाँ गंडार हो चारे मत अच्छी आपने जानी यार औषध यार पथी हूँ या बरकोली गच्छ मलांग आणबु पुषिया नक्षत्र तुही पुषिया नक्षत्र जो पड़ थी समय बरकोली गच्छर मलांग आणबु गोखरा को तार संगे मिसाइबु जबधान गुंड दे कौन करू बाड़ी अंलार जे मूल पांच पड़ कई मूल संगे देव सुथ गंध करो कर सिमिसाई आउ जेते बेसी सब आउ जेते बेसी सबू हे सुजने आउ जेते बेसी
सबु आउ देते बेसी सबु हे सुजने आउ देते बेसी सबु बाड़ी ओला में जानी छे तो महापुरुष कहले बाड़ी ओलारु मूल पांच पड़ कई मूल संगे देवु कई फूल आप जानते तार मूल मिसे आउ शुद्ध गंध करु करसी मिसाई आउ जेते सबु बेस आउ जेते सबु आउ जेते बेसी सब आउ सब बेसी बेसी देव कि आदर एति की मिसे शुद्ध गंधक कम पुणी कहिले कुढ़का पड़ न पड़ तो देव अर्जुन चाली प्रमाण अर्जुन चालीर ओजन नोहिब हेब जेते परिमाण हेब जेते परिमाण हे सुजने हेब जेते परिमाण हेब जेते परिमाण हे सुजने हेब जेते परिमाण कुड़ कापड़ न पड़तु देव अर्जुन छाली प्रमाण अर्जुन छाली ओजन नोहिब हेब जेते परिमाण जेते परिमाण तार ओजन नुह अर्जुन छाली आगो कौन करिव ना बुढ़ी मईसीर दुधरे बाटिबू विधवा बाटिब ना से ही मंत्रराज सहस्रे स्मरिले ये व्याधि जीव उभे ये व्याधि पूरा संपूर्ण उभे जीव गोधिया बात बा मेंढा मुंडिया बात जहाँ कहत ज्ञानी गुणी मंडली आज दुईट रोगर उपशम समूले नाश किभली हेब शिशु अनंत पट्टामडाणर ए विषय कौन औषधि कही आम आपण को शुणलु लिखि रखि अनुभवी मार्गदर्शक द्वारा को प्रस्तुत कर प्रयोग करेंगे सेमती करेंगे ना आज तो समय तो आसतु बाणी की विराम देवा जड़े भक्तर ना कही किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो आलु पोदा ग्राम सेठा भरु राम साहाड़ा वृक्ष मूलर बौड़ालो साहाड़ा वृक्ष मूलर मंगलाश्रम बांधी अच्छी माता नाम चंपावती तार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आलुपदा ग्राम रे चंपावती नाम रे जने माँ जन्म होते भक्त जन्म होते मंगला आश्रम सेठारे करें ये भक्तर ना आम कहलु आप ठाब करेंगे ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय तो आसतु ये बाणी की विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओं शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।